सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। हम जहाँ खड़े, एक हमारा निजी अनुभव है और एक हमारी अंदर की मांग है। मांग और अनुभव, मांग जैसी है वैसा अनुभव नहीं है, जैसा अनुभव है वहां हमारा काम बन नहीं रहा। इसी बीच की दलदल में, इसी बीच के विरोधाभासी जीवन में, इसी बीच के विरुद्ध अनुभव में हम पड़े हुए हैं। हम जहां खड़े हैं वहां ये जानते हैं कि हम जीवित हैं। हम सबका अनुभव है कि हम जिंदा हैं, और हम सबका अनुभव है कि हम शायद बचेंगे, मर जाएं। जो आप हैं, जैसा आपको अनुभव है कि हम हैं और क्या हैं, उसमें आपको ये भी पक्का है कि रहने वाले नहीं है। यदि आप आदमी हैं तो नहीं रहने वाले हैं, यदि सुखी हैं तो रहने वाले नहीं हैं, यदि सुखी हैं और लगातार रह पाए तो समस्या हल हो गई। यदि हम जीवित हैं, अजीवित रहेंगे तो कोई समस्या नहीं, पर जीवित हम हैं, हमको खुद लगता है कि हम हैं, आपको तो नहीं लगता। मैं आपसे इसलिए पूछता हूं कि मैं बोलता चला जाऊं और सही ना हो तो मैं आपसे हस्ताक्षर कराता चलता। आप हैं ना कि समय नहीं है, है। ये आपको ही पता है कि पड़ोसी आप हैं, इस बात के लिए पड़ोसी गवाह है कि तुम स्वयं सबूत हो। हाँ, मकान है, इसमें हम सबूत हैं। मकान को अपने होने का कोई पता नहीं। सच तो ये है कि अभी भी कोई ऐसी ही चूक हो रही है कि जो आप हैं वही आप नहीं जानते, जो आप जानते हैं वो आप हैं नहीं, जो आप होना चाहते हैं वो आप असल में हैं। और जैसा आप हैं मालूम कर रहे हो ऐसे आप हैं नहीं, आप अधूरे हैं नहीं, पर आपका निजी अनुभव है कि हम में बहुत कमियां हैं। और अनुभव के अलावा और कर क्या सकते हो, आपका ही निजी अनुभव है कि हम में कमियां हैं, और आपकी ही आंतरिक मांग आवश्यकता है, आपकी अंदर की नेचर है, अंतरात्मा की आपकी अंदर से गहरी मांग है कि हम अधूरे न रहे। इसलिए इस मांग को आप ठुकरा भी नहीं सकते, नहीं छोड़ देते। हम अपना अधूरे रहते कोई बात नहीं, हम दुखी रहे बने रहे, पर दुखी रहना आपको फ्री है, आपको तो है नहीं, किसी को नहीं। दुखी रहना हमें प्रिय नहीं है, सुखी रहना प्रिय है। इसलिए पहले हम जहां खड़े हैं ये आपका ही अनुभव है, ये मैं थोप नहीं रहा, इसलिए इसमें मैं आपकी मोहर चाहता हूं। किसी वैद्य या डॉक्टर के कहने से हम बीमार नहीं होते, हमको जब खुद कुछ
कमी लगती है, कष्ट लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने हमें कोई बीमार कह के ठगा नहीं, हम बीमार अनुभव करके दुखी होकर कष्ट में, सिर दर्द, पेट दर्द, टांग दर्द, दाढ़ दर्द और कोई तकलीफ, बुखार, उस बुखार से तुम्हें तकलीफ होती है, आपको तो नहीं होती, आराम आता है। तो जब बुखार से तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को दूर कराने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर और गुरु, संत और वैद्य में बहुत फर्क नहीं है। ये बात अलग है कि तुम संत को वैद्य की तरह समझना नहीं चाहते, ऐसा लगता है जैसे संतों पर हम दया कर रहे हैं, सत्संग में आए हैं तो उनकी शोभा बढ़ाइए, नहीं तो स्वामी जी तो बिना शोभा ही के मर जाते। आप तो डॉक्टर को अमीर बनाने जाते हो, इतने दयालु हो, किसी गरीब आदमी का शोषण करके इतने निर्दयी ठग। एक तरफ हम किसी गरीब को भी चूसने से छोड़ते नहीं और दूसरी तरफ गड्डियां डॉक्टर को देने जाते हैं, दयालु हो, क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? डॉक्टर की अटकी है कि तुम्हारी? अब वो साफ समझते हो, कोई डॉक्टर पर रहम नहीं करते, वैसे डॉक्टर भी आप पर रहम नहीं करता, उसका अपना मामला है, क्योंकि कोई भी तुमसे रुपया ऐसे नहीं ले सकता, ऐसे देते भी नहीं हो। साधु भले कभी बेवकूफ बना के ले लें और पंडित, लेकिन डॉक्टर भी यद्यपि बेवकूफ भी बनाते हैं, पर बेवकूफ बनाते हैं जब कोई तुम्हारी कमी है, आपको तकलीफ है, बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हो तो भी ऑपरेशन कर देंगे, क्योंकि ऑपरेशन से उसके पैसे ज्यादा बनेंगे। पर कोई भी डॉक्टर तुमसे पैसा लेता है तो तुम्हारी तकलीफ दूर करता है, यदि वो नहीं करता हो तो डॉक्टर पर केस भी किए जा सकते, संतों पर भी केस आगे चलकर बनेंगे। पहले डॉक्टरों पर भी नहीं बनते थे वैद्यों पर, अब डॉक्टर वैद्यों पर भी केस चलते हैं, विदेशों में तो बहुत चलते हैं, कई बार जिंदगी भर की कमाई डॉक्टरों के एक केस में चली जाती, इतने जुर्माने आगे चलकर साधुओं पर होंगे। एकाध केस महेश योगी पर विदेशों में है, जिन्होंने हमसे $1,000 उड़ना सिखाने के लिए, जमीन से उठना सिखाने के लिए लिए थे और हम जमीन से उठते नहीं, तो साधुओं पर भी आगे केस कर सकोगे कि मुक्ति के लिए हमारे चेला बनाया था, हमें मुक्त नहीं किया, हमसे झूठे दावे किए थे, वादे किए थे, कर सको। पर हम भी कोई मुक्त आदमी लाके केस जीतेंगे कि हमारी ओर से हम देखो इसको मुक्त कर दिया है, इसने ईमानदारी से मेहनत नहीं की, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं। यदि हमारा एक भी चेला मुक्त नहीं हो तो हमारे पर केस बन जाए, यदि एक भी कोई मुक्त चेला कह दे कि हम बंधे थे, हमको स्वामी जी ने मुक्त किया है, तो हम कह देंगे इन्होंने ईमानदारी से नहीं किया, इसने ईमानदारी से हमारा पालन किया है। बात समझ में आ रही है? तो यहां भी उतनी गंभीरता से आओ जिस गंभीरता से डॉक्टर के पास जाते। हमारे यहां साहब का है सतगुरु वैद्य, सतगुरु वैद्य, वचन विश्वासा, उनके वचनों का विश्वास। सद्गुरु वैद्य हैं, उनके वचनों पर विश्वास करो। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह, जो वो कहें उसका पालन करो, न विषय की आशा,
विषयों की आशा न करो यदि मुक्त होना चाहते हो। और फिर दूसरी बात, हो सकता है तुम कह दो हमें मुक्ति नहीं चाहिए। कई हमारे चेले कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, वो समझते हैं कि मरने के बाद दुनिया में ना आना इसका नाम मुक्ति है। कई लोग दुनिया में आना चाहते हैं। तो हम लोग एक बात और कहते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा जीवन मुक्त, शायद गुरुओं की वाणी में भी कहीं आता हो, बाकी उपनिषदों में हिंदू ग्रंथों में तो बहुत है जीवन मुक्त। ये शब्द जरूर होगा गुरुओं के है महाराज। अरे तो जीवन मुक्त माने जीते हुए मुक्त कौन नहीं चाहेगा। मरने वाले के बाद मुक्ति चाहो न चाहो, यद्यपि चाहोगे हमें मालूम है, बल्कि हो चाहे ना हो तब भी चाह रहे हो, बल्कि इरादा ना हो तब भी चाह रहे हो। कई लोग जो जीने में मुक्त नहीं होना चाह रहे, जीते हुए मुक्ति की कोशिश नहीं कर रहे, वो भी मर जाने के बाद चाहते मुक्ति मिल जाए। किसी से भी पूछ लो, भारती से मरने के बाद वाली मुक्ति को तैयार है और जीते जी मुक्ति के लिए नहीं कुछ तैयार, जीते जी मुक्ति के लिए तैयार। जीते जी चाहता है ये सब ठीक बना रहे, मैं यही रहूं, प्यार यहीं से करूं, यही खाऊं, इसी में रहूं, इसी में पचूं, इसी की इच्छा करूं, ये बस सारी आसक्ति यहां पर, इसी बेटे पर, इसी परिवार पर, इसी विषय भोगों पर आसक्ति तो ऐसे ही बनी रहे और मर जाने के बाद एकदम मुक्ति मिल जाए। लगभग इस तरह का जैसे मां के पेट में बच्चा बिल्कुल मुख से नहीं खाता और बढ़ता रहता है, तुम्हें मुख से खाना बंद कर दिया जाए, चलो मुख से खाना बंद करें, इंजेक्शन देते रहे तब भी चल जाएगा। कई कामा के पेशेंट वर्षों जीते हैं, वो अपने आप नहीं खाते, पर डॉक्टरों की खोज के कारण उनके पेट में खुराक पहुंचा देते, किसी रबड़ से, पंप से, किसी तरह वो भीतर दूध चाय पहुंच जाती है और निकालने के भी साधन है। इसलिए आजकल बेहोश आदमी को भी वर्षों जिंदा रखा जा सकता है, आजकल तो मरे को भी जिंदा रखने, मरे को मतलब मरे मराए को भी सुरक्षित रख सकते हैं, जिंदा का इतना ही मत है, क्योंकि मुर्दे को और क्या जिंदा रखा जाए, मुर्दे को सड़ने न दिया जाए, मुर्दे को बिगड़ने न दिया जाए, बनाए रखे समझो मुर्दे की जिंदगी, और पेड़ की क्या जिंदगी है, पेड़ को क्या मिलता है। तो मुख्य विषय यह है कि तुम जहां खड़े हो वहां कोई ना कोई कमी खटक रही, उस कमी की पूर्ति के लिए जितना तुम्हारे पास दिमाग है वो कर भी रहे। जैसे हम मरना नहीं चाहते तो बचने के लिए कोशिश करते हो कि नहीं, आप कहोगे आज तो हम बचने के लिए नहीं गए डॉक्टर के पास क्योंकि आज मरने का खतरा नहीं था, हाँ इसलिए कभी आपको लगता ऐसा है कि हम बचने की कोशिश नहीं कर रहे, लगता है ऐसा, पर पता उस दिन चलता है जिस दिन मरने की समस्या आती है, कोई मारने आ जाए, कोई रोग हो जाए, तो फिर बचने के लिए डॉक्टर भी यदि फेल होते हो तो फिर उस दिन महामृत्युंजय का जाप चलता है, भगवान को मनाना शुरू हो जाता है कि हे भगवान हमें बचा लो। वैसे किसी जवान को आज पूछो कि तुम क्या चाहते हो तो कहीं नहीं कहेगा कि मैं बचना चाहता हूं, नहीं कहेगा। अचानक पूछ लेना किसी जवान से तेरी क्या इच्छा है तो कहेगा शादी की है, प्रेमी की है, प्रेमिका की है, बचने की बातें नहीं करेगा। पर यदि मरने का समय आ जाए
मारने वाला कोई आ जाए तो उस समय कहेगा हे भगवान बचा लो इस बदमाश से, इस आतताई से बचा लो। कोई शेर आ जाए तो मैं कहेगा हे भगवान इस शेर की ऐसी बुद्धि हो जाए कि घर को चल पा, कोई चमत्कार घट जाए, इसकी अकल बदल जाए, तो पता नहीं चलता कि हम बचना चाहते हैं, क्योंकि इतनी और इच्छाएं हैं कि उसके कारण इसका ख्याल ही नहीं आए। बचने की इच्छा दबी रहती है, अन्य इच्छाएं सामने, ब्याह की, लड़का होने की, दुकान की, बड़ी कोठी की, किसी ज्योतिषी के पास गए तो किस लिए, ये पता लगाने कि हमारे पास धन आएगा, कोठी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। संत से भी आशीर्वाद मांगा कि स्वामी आपकी कृपा से नींद तो डाल दिए, पैसा अभी इतना नहीं है, आपका आशीर्वाद हो जाए तो अगले साल उद्घाटन आप ऐसे कराएं, माने हमसे उद्घाटन के लिए इतना लंबा वरदान, उद्घाटन से मुझे क्या मिल जाएगा, कोठी तुम्हारी बनेगी मेरे चरण ढालने से, उद्घाटन से कितने खिलाड़ी हो। संतों को समझते हो बुद्धू है, चरण डलवा लिया और कोठी बन गई आशीर्वाद। अब अपने अंदर जब टटोलेंगे तो पता चलेगा कि इस तरह की इच्छाओं की पूर्ति में लगे हो, बचने की इच्छा ख्याल में आ नहीं रही, पर कोठी बनाई सब कुछ हुआ, पता चला कि अब आप नहीं बचेंगे, तब कोठी बेचकर इलाज करा। एक तरफ लगता था बचना हम चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं अंदर स्वभाव में दबी है बात, जैसे चांदनी हो और चांदनी रात में हम अपनी बड़ी तेज लाइटें बल्ब जलाएं तो चांदनी तो पूरे पंजाब में है, पर पता वहां चलता है जहां अपनी लाइट ना हो, जहां अपनी तेज लाइट होती है वहां चंद्रमा की चांदनी का पता नहीं चलता। ऐसे ही कुछ अन्य सांसारिक इच्छाएं हैं जिन इच्छाओं के कारण बहुत गहरी और व्यापक इच्छा है, कॉमन सबको है, वो नहीं मालूम पड़ती। एक की शादी की है, एक को पैसे की है, एक को की और चीज की है, एक को मान की है, अभी जीना भी चाहते हैं ये ख्याल में नहीं है। जीना चाहते हो इसका अंदाज तब चलता है जब कहीं मौत नजदीक दिखाई देती है, किसी अपने प्रिय के मरे में जाओ शमशान, उस दिन आपको अपनी कोठी बेकार लगती है, उस दिन अपना धन बेकार लगता है, उस दिन अपने बेटे परिवार भी झूठे लगते हैं कि देखो इसके साथ कौन है, मेरे साथ कौन जाएगा, उस दिन ख्याल आता है। इसीलिए वो वैराग्य की जगह है, जरूर जाया करो, पर कहीं कि मैं जाओगे कुछ नहीं लगेगा, जरा अपनों के मरे में जाओ तब पता चलेगा। आपको लगता है कितने के मरे में गए कुछ लगेगी, अपना जब प्रिय नहीं रहता तब लगता है बेकार है धन। एक बार एक हमारे शिष्य का शरीरांत हुआ, एक ब्रह्मचेतन शास्त्री थी, उनको उस दिन बड़ा वैराग्य, वो भी शिष्य, वो भी शिष्य ही था, एक शिष्य के न रहने पर एक को वैराग्य हुआ कि सब बेकार है, कहां लगे हैं, क्या हमारे साथ जाएगा, इनके साथ क्या गया। तो हम जहां खड़े हैं वहां सब न रहने वाला है, पर ये ध्यान में कम आता है, न रहने का ख्याल कम आता है, रहने की व्यवस्था में लगे हुए, ये करें ये करें ये खाएं आज ये बने, मन का भोजन बनाने में आज का दिन बड़ी खुशी में बीत गया, मन का भोजन मिला, बस मन की शादी हो गई, ये जन्म सफल हो गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा पति मिल गया, थोड़ा रंग अच्छा बीता, तो ये साल ठीक, ये जीवन गुजर गया, लेकिन फिर जन्म होगा, तुम्हें ध्यान होना वो होगा, बीज को पता हो ना हो वृक्ष पैदा होगा, और वृक्ष को पता हो ना हो वो बीज बना रहा, हर वृक्ष बीज बना रहा,
वृक्ष में बीज बन रहा है, उसे पता ही नहीं है, पर बीज वृक्ष, वृक्ष बीज बना रहा है और बीज वृक्ष को जन्म देगा ही देगा। एक शरीर पाते ही हम नए कर्मों का सृजन कर चलते हैं। हमें पता नहीं, हम तो सिर्फ कर्म कर रहे हैं, अगले जन्म की सोच नहीं रहे, पर होगा ही होगा। वृक्ष फूल रहा है, फल रहा है, पत्तियां आ रही हैं, बढ़ रहा है, आनंदित है, और समझो बस अगले जन्म की तैयारी चल रही, अगला वृक्ष बनने की प्रक्रिया चल रही। हम जो कर रहे हैं ये सब जन्म की ही योजना है, मोक्ष की तो किसी किसी को समझ आती। तो हम यहां हैं, यहां हैं। अच्छा सही सही बोलना, आप यहां हैं कि सब जगह हैं? यहां है। इस समय आप घर में नहीं है, और इस समय आप तरन तारण में मंदिर के पास सत्संग में हैं। यहां हो सकता है बीच में थोड़ा मन घर हो आता हो, लेकिन तन से आप यहां हैं। और आप सचमुच इसी को मानते हैं, जहां तन से हैं वहीं आप हैं, ऐसा मानते हो। इसलिए तन से यहां रहो, मन से चले भी जाओगे तो कोई पूछे कहां गए थे, तो कहोगे सत्संग में गए थे। कितनी देर? इतनी बजे तक। इतने बजे तक आप यहां रहे नहीं, पर चूंकि शरीर से यहां रहे इसलिए कहते हो। एक आदमी जेल जाता है, 10 साल 20 साल की कैद हो जाती है, तो कहता है इतने साल में जेल में रहा। अब इतने साल वो जेल में नहीं रहा, बीच में मन किसी काम में रहा होगा तो जेल में नहीं था, पर तन से था, सचमुच शरीर से इतने वर्ष हो रहा। जब गहरी नींद में था तब भी शरीर से जेल में था, होश में आया तो अपने को जेल में पाया, सोने के पहले वो जेल में था, इसलिए वो कहता है इतने वर्ष में जेल में रहा। नहीं, नींद के समय कोई जेल में नहीं होता, कोई घर में नहीं होता, कोई पुरुष नहीं होता, कोई स्त्री नहीं होती। नींद में कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, कोई सुखी दुखी नहीं होता, कोई धनी गरीब नहीं होता, कोई पापी पुण्यात्मा नहीं होता। नींद में, गहरी नींद में नहीं होता। और किसी आदमी को गरीब होने का दुख नहीं होता। कोई आदमी जेल में उस समय गहरी नींद में नहीं होता, जेल में होने का जरा भी दुख, इतना रंच मात्र भी दुख नहीं होता, पर जगता है तब जेल में अपने को पाता है, सोने के पहले अपने को जेल में था। इसलिए नींद वाला टाइम गणित से तर्क के आधार पर मानता है कि मैं जेल में रहा हूं, क्योंकि जब पहले जेल में था सोने के, जगने पर जेल में मैं मिला, तो बीच में ऑटोमेटिक ये उत्तर आ जाता है कि मैं जेल में ही रहा हूं, असल में जेल में नहीं था। ऐसे ही तुम अपने को आदमी समझते हो, ऐसे ही तुम अपने को दुखी समझते हो, जागे हो अभी दुखी हो, सो गए, सुबह उठे दुखी हो, गरीब सोए गरीब उठे, दुखी सोए दुखी उठे, तो गहरी नींद का समय भी आप यही मान लेते हो कि हम गरीब हैं। कितने वर्षों से जिंदगी, इस जन्म में तो हम गरीब ही रहे, अमीरी देखी ही नहीं। तो गहरी नींद में कोई गरीब नहीं रहता, तुम कैसे गरीब रहे? जीवन भर में उतनी ही देर गरीब रहोगे जितनी देर जागे थे, और जागने के क्षण जब प्रेमी से बात कर रहे थे तब गरीब नहीं थे, जब ताश खेल रहे थे तब गरीब नहीं थे, जब किसी मौज मस्ती में थे तब गरीब नहीं थे। वो क्षण भी गरीबी के कहां थे? गरीबी का तो तब क्षण था जब पैसा खर्चने का टाइम आया और नहीं था, तो गरीबी के क्षण भी कम होते हैं, पर तुम उन सबको अपने जीवन के साथ जोड़े हुए हो। केवल संत ऐसा है, ज्ञानी ऐसा है, जो क्षण भर को ही कभी होता होगा आदमी तो होता होगा, क्षण भर को होता होगा दुखी तो होता होगा, क्षण भर को और कोई समस्या पाप पुण्य की होती होगी तो होती होगी,
बाकी क्षणों पर वो और कुछ क्षण भर को होता है, मुक्त ज्यादा रहता है। और आप दुखी ज्यादा हो, संसारी ज्यादा हो, निश्चिंत कम हो, चिंतित ज्यादा हो, पर संत थोड़ी देर को कभी होता है, बाकी वो पूरे समय जेल में नहीं मानता अपने को, पूरे समय वो आदमी नहीं है, पूरे समय मरता नहीं है। मरता तब है जब उसका ध्यान देह में आता है। तुम भी देह के ख्याल के कारण ही मरते हो और समझे इसको जीवन हो। इसी को उपनिषदों ने या ग्रंथों ने, योग ग्रंथों ने ये दोष बताया है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। उन्होंने ये भी बताया, अविद्या क्या है, असुचि में सुचि बुद्धि, अनात्मा में आत्म बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, जो मैं नहीं हूं उसमें मैंपन। ऐसे नहीं है कि तुम्हारी सोलाना गलती है, ध्यान नहीं दिया। मिट्टी का मैं पना, मिट्टी का घड़े में होना पन, मिट्टी का घड़ा बनकर जीना कि मैं घड़ा। अब इतना मोटी सी बात की, यदि घड़ा ना हो तो मिट्टी नहीं होगी क्या? माने घड़े के होने से मिट्टी का क्या मतलब? पर नहीं समझती, बर्फ को नहीं पता कि बर्फ ना रहे तो क्या मैं थी ही नहीं? जब बर्फ नहीं थी, बर्फ नहीं होगी तो क्या हम नहीं होंगे? पानी को यह होश ही नहीं कि बर्फ के पहले में कभी कुछ था। पानी को यह होश नहीं था, पानी पर होश नहीं था। होश आया तब जब बर्फ बन गई। लो, होश तब आया जब बर्फ बन गई। तो उसको यही होश आएगा कि मैं बर्फ, होश ही नहीं आएगा कि मैं पानी कभी था, पानी कभी हूंगा। जल होने का पता नहीं, बर्फ होने का पता है। और सपना भी आता है तो फिर स्वप्न भी बर्फ ही का आता है। कभी बर्फ ने सपना देखा होगा तो बर्फ होने का देखा होगा, पानी होने का ख्याल ही नहीं आया। और तीसरी अवस्था, कभी नींद आ गई तो बर्फ, ना तो बर्फ है और ना बर्फ का सपना है, पर जल तक भी नहीं। एक बहुत खतरा है, होश में थे तो बर्फ थे, थोड़ा आधी नींद में थे तो भी बर्फ थे सपने में, नींद आ गई तो बर्फ का भान तो नहीं था पर जल भी नहीं। नींद में कैसे जल माने, नींद में कुछ समझ नहीं सकता। इसलिए नींद थी तब भी बर्फ नहीं और तब पानी भी नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, तुम थोड़ी देर बर्फ का अनुभव न करो, बर्फ का सपना न देखो और सो मत, देखो तुम पानी हो गए। बस यही एक प्रक्रिया है ध्यान की, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए आप मनुष्य न रहे। बड़ा आश्चर्य होगा जब मनुष्य न हो। शंकराचार्य ने कहा है, ना हम मनुष्य हो। अब जब वो हम पढ़ते हैं तो सोचते हैं जैसे हम बोलते हैं पढ़ते हैं, ऐसे ही शंकराचार्य ने बोला होगा, ना हम मनुष्य हो। तुम भी बोल देते हो, श्लोक पढ़ोगे, ना हम मनुष्य हो न च देहो यक्ष हो, ये श्लोक हमने पढ़े। जब हम पढ़ते थे तब भी ऐसा ही, अब सोचते हैं कि कितनी मूर्खता। सुबह सुबह उठ के श्लोक, ना हम मनुष्य हो न च देहो यक्ष हो, ना हम देवता है न यक्ष, न ब्रह्मचारी ग्रही वनस्थ हो, ना ब्रह्मचारी है न ग्रही है न वनस्थ है न भिक्षु न सन्यासी है। और अंत की लाइन, निज बुद्ध रूप, हम तो बोध है, हम तो चैतन्य। ये समझना जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, फिर वही बात, अभी जिंदा है क्या जरूरत? जब मरने का ख्याल आए तो बचने की पीड़ा, मरने का ख्याल आता है तो बचने की पीड़ा गहन हो जाती है। अभी तो जीने की बात कम है, खाने की है। जीने का तो सोच, कोई आदमी गरीब अमीर जवान जीने के लिए ज्यादा लालायित है या ब्याह के लिए?
पर मान लो किसी उसमें फांसी हो जाए तब पूछे तू भाई शादी चाहता है कि जिंदगी चाहता है, तो कहेगा अभी तो जिंदगी मिल जाए फांसी से बचा दो। एक महात्मा के पास गया ज्ञान पाने, तो देखा कि इसकी लगन कैसी है। उनका कोई बात नहीं, अभी तो आए हो तुमको ज्ञान देंगे। हमारे पास भी कई आते रहते हैं तो कभी सुनाते हैं कभी टाल देते हैं। तो संत ने कहा अरे अभी चाय पियो खाओ, बढ़िया भोजन बनवाया खिलाया तो प्रश्न भूल गया। तो खाने में अच्छा लगा, कहते आश्रम की व्यवस्था बहुत अच्छी, तो आश्रम की व्यवस्था के लिए गया था। वहां मटर गश्ती करने गया था, भूल गया। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था की, खुश हो गया। फिर थोड़ा सा पूछा कि अब स्वामी जी बताओ, कहते अभी चलते हैं स्नान स्नान करने। वहां ले गए, घुमाया फिराया, वहां दिखाया ये बात। हम लोग जब विदेश जाते हैं तो कहते स्वामी जी वहां घूमने चलोगे, वहां घूमने चलोगे। हमने कहा इतनी दूर हम घूमने को थोड़ी आए, हम अमेरिका न्यूजीलैंड घूमने गए। बोलो हमें घूमने का शौक। अच्छा हम तरन तारण काहे को आए, घूमो तुम्हारे घरों में चरण डाल काहे के लिए आए। तो संत ले गए घुमाया, कहना स्नान करो। स्नान करते समय गुरुजी ने ज्ञान व्यान तो दिया नहीं, ऊपर से चढ़ गए पानी के अंदर दबा दिया। और ताकतवर थे गुरु, जरा जो ब्रह्म ज्ञान लेने आया था मेरी जैसा दुबला को तो था। और दबा के पानी के नीचे और यूं यूं करे भीतर दम घुटने लगा, गुरुजी छोड़े नहीं। जब बहुत प्राण व्याकुल हुए तड़फड़ाने लगा तो छोड़ दिया, तो बाहर आया। तो कहते कैसा लगा, कहते बहुत अच्छा लगा। कह लगे उस समय तुम क्या चाहते थे जब पानी के अंदर डुबोया था, क्या इच्छा थी, शादी की? कहते नहीं। क्या इच्छा थी? ये कई इच्छा थी कि मुझे छोड़ दो, आप छोड़ दो तो मैं बाहर आ जाऊं, बस एक इच्छा थी। तो आपके जब एक इच्छा रह जाए और लगन खत्म, मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा हो जाए, उस समय गुरु के उपदेश सुनो। एक ही कार्यक्रम में बेड़ा पार, दूसरे की जरूरत नहीं, पर अभी पूरी जरूरत नहीं। इसीलिए जब परीक्षित कथा सुन रहे होंगे तो बाकी मर गए थे क्या? जब अर्जुन सुन रहा था तो और पांडव नहीं खड़े थे क्या? वहां दूसरे लोग नहीं थे, अर्जुन को अकेले सुनाते रहे, परीक्षित को अकेले सुनाया गया कमरे में ले जाकर। जब ये सम्मेलन होते हैं तो किसी एक आदमी के लिए होते हैं, और होते एक आदमी के ही लिए है, ये समझ लें। भीड़ कितनी हो एक आदमी के लिए होते हैं, एक आदमी ही आते हैं जिन्हें सुनना है जिन्हें समझना है। आके बैठे तो बहुत लोग होते, कई लोग तो यहां से उदास न उठेंगे, जैसे टाइम बेकार गया। तो किस लिए आयो? तो फिर अपनी बात पर आओ कि तुम क्या हो, मर जाओगे, क्या हो तुम, दुखी हो, और दुखी हो तो क्या होना चाहिए, और बड़े होने से मौत तो नहीं आएगी। मौत समस्या है, मौत से बचना ज्यादा जरूरी है कि बड़े होना ज्यादा जरूरी? और मौत से बचने का कोई उपाय निकला क्या? इस गहराई पर चलें, हम कौन हैं? तो पहले तो अपना अनुभव करो, स्वयं का अनुभव, और फिर गुरु का। गुरु के और अपने अनुभव के बीच के फासले को तय करना, यही यात्रा है। यात्रा का क्या मतलब है? आप घर से यहां के लिए चले, जब चले तब यहां से दूर थे कि नहीं? तो जो दूरी थी वो आपने तय कर दी,
दूरी मिट गई, फासला मिट गया, आप यहां आ गए। गुरु जहां खड़े हैं वो ब्रह्म है। गुरु जहां है वो ब्रह्म है। तुम एक आदमी हो, तुम जीव हो वो ब्रह्म है, तुम मनुष्य हो वो परमात्मा है, तुम बंदे हो वो मुक्त है, तुम अज्ञानी हो वो ज्ञानी है। तुम्हारे और उनके बीच का जो ज्ञानी का और अज्ञानी का फासला है वो मिटना चाहिए। तुम आदमी हो वो नारायण है, तुम नर हो वो नारायण है। तुमको क्या होना है बोलो? नारायण। तुम्हें भी नर नहीं रहना। तुम अभावग्रस्त हो वो पूर्ण है। तुम्हें भी इतनी यात्रा करनी है कि तुम्हारा अधूरापन मिट जाए। और इसके लिए एक ही बात अंत में है, जैसी नियत हराम पर, जैसी लगन हराम पर, ऐसे ही हरि पर होए, ऐसे ही गुरु पर होए। जितना भरोसा और पर उतना गुरु पर हो। कोई झूठे वादे करता है उसका भरोसा हो जाता है, गुरु कोई भरोसा दिलाता है नहीं होता। गुरु महाराज एक बात कहते हैं, घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। परमात्मा घट घट में हर जू बसे, परमात्मा घट घट में रहता है। संतन कहो पुकार, संतों ने जोर लगाकर आवाज से चिल्ला के पुकार के आवाज दे के कहा है, लाउड स्पीकर लगा के कहा है, ग्रंथों के द्वारा कहा है। संतन कहो पुकार, कह नानक तेई भजमाना। किसको भजो? जो यहां रहता है, जो वहां रहता है, जो तुम्हारे वहां रहता है उसको भजो। इस शब्द पर गहराई पर जाए, घट घट में हर जुग संतन कहो पुकार, कह नानक ते ही भज माना। कह नानक ते ही भज, किसको? जो घट घट में, मेरे को नहीं, इनको नहीं, उनको नहीं, वहां रहने वाले को नहीं, जो वहां रहता है ऊपर उसका नहीं, जो सिर्फ ऊपर रहता है उसका भजन नहीं कर, जो सिर्फ कहीं रहता है उसका भजन नहीं कर, जो घट घट में रहता है, कह नानक ते ही भज माना, उसका भजन कर। किसका? घट घट में जो है, ते ही भज माना, भाव निज उतरे पार, उसका भजन कर यदि भाव निधि से पागल। पति का भजन कर यदि लड़का चाहिए, कपड़ा चाहिए तो बाजार जा, उसके लिए नहीं कहा कि तू घट घट में है उसकी याद कर। यदि संसार दुख सागर से पार जाना है, भाव निधि उतर ही पार, कह नानक ते ही भजन, उसका भजन कर जो तेरे में रहता है, तेरे में, सब में रहता है। अब सब में रहता हो तो तुझे पहले कहां मिलेगा, नजदीक कौन है जो बिना चले मिल जाए? मान लो सब जगह भी है तो तुम्हारे में भी तो होगा, तो तुम्हें नजदीक क्या पड़ेगा? मान लो सब जगह जल हो, टोंटी हो, पानी हो, तुम्हें प्यास लगे तो तुम अपने घर की टोटी के पास जाओगे कि मोहल्ले के? जो सुख स्वरूप परमात्मा है, आनंद स्वरूप है, जो अमृत स्वरूप है, तुम में है, उस आनंदमय को, उस सत्य को, अमृत को तुम अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढते? तुम्हें पड़ोसी में क्यों दिखता है? तुम्हें आनंद पड़ोसी में दिखता है, तुम्हें जीवन पड़ोसी में दिखता है, तुमको शांति पड़ोसी में दिखती है, तुम्हें भगवान और भी कहीं पड़ोस में नजर आता है, अपने घर में नजर ही नहीं आता। यदि तुझे मुक्त होना है सत्य, क्योंकि ये कह दिया, क्यों भज? कह
है नानक तई भजमाना भव निज उतर ही पार। और भी अरदास के समय एक शब्द सुनते हो, वाहे गुरु नाम जहाज है, वाहे गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो जो चढ़ेंगे वो उतर जाएंगे पार, जो नहीं चढ़ेंगे डूब मरेंगे। पार तो होंगे जो जहाज में बैठ जाएंगे, यद्यपि पार होकर जहाज में भी बैठे नहीं रहेंगे। जहाज तो पार होने के लिए होता है। तापस तप फल पाए जिम सुखी सिराने नेम, हमने जो कुछ भी पकड़ा है पकड़े रहने के लिए नहीं। सच तो ये है, ये नरदेह भी पार होने के लिए मिला है। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत यही, इसको चाहते हैं, क्योंकि नर देह से ही नारायण तक पहुंचा जा सकता है। नारायण में पहुंचकर नरदेह भी छूट जाए, छूटे वो खड़ा रहे जहाज तो खड़ा रहे, हमारे लिए जहाज की जरूरत खत्म। हमारे पास होने के बाद स्कूल टूट जाए चाहे बना रहे, हमारा ये नहीं कि टूट जाए, पर हमारे लिए तो गए। हम जिस स्कूल से चले आए हमारे लिए स्कूल चला गया, हम जो क्लास पढ़ चुके वो क्लास मेरे लिए गई, मैं अगली क्लास में रहूं। तो जहां मैं हूं वहां ही मैं बना रहूं ये ठीक नहीं, जो मैं हूं यही बना रहूं नहीं, जो आप हैं ये न रहे, क्योंकि यहां मौत है, शर्त है, कारण है। आप जो हैं समझते हैं, यदि ये हैं तो मरेंगे। तो अपन क्या चाह रहे हैं, जो आप समझते हैं ये आप नहीं है, आप वो हैं जो होना चाह रहे हैं। और होना क्यों चाह रहे हैं, आपके दिल में क्यों होने की ललक है, इसलिए कि आप जो हैं वही होना चाहेंगे। एक ज्योति सूर्य की तरफ उठती है, ऊपर की ओर उठती है, मिट्टी का ढेला मिट्टी की तरफ भागता है, बर्फ पानी होने को तैयार है, पिघलती है वो तैयार है, पर पिघलता देख करके डर रहा। देखो जल होना चाहता है, बर्फ जल होना चाहती है और पिघलने से डरती है, पिघलना मौत लगता है, जबकि पिघलना जीवन है। बर्फ पिघल जाए तो जो वो है हो जाए, इसीलिए कहते सूरज किरण मिली जल का जल हुआ नाम। बर्फ को सूरज की किरण मिली तो क्या हो गया, जल का जल हो गए, थे हो गए। यदि गुरु का ज्ञान मिल जाए, यदि गुरु की समझ मिल जाए, तो आप भगवान के भगवान हो जाए, थे भी आप और फिर हो जाए, पर थे ये बात समझ में नहीं आती। जल का जल हुआ राम हम लोग समझ रहे हैं, पर बर्फ को कहो तुम पिघल जाओ जल हो जाओगी तो अभी भरोसा नहीं करे, उसको पता ही नहीं कि कभी हम जल रहे भी हैं। कोई कहो तुम फिर जल हो जाओगे तो कहेंगे फिर हो जाएंगे, क्या पहले कभी रहे हैं। हम कहें तुम फिर ब्रह्म हो जाओगे, तुम ब्रह्म हो जाओगे, तुम भूल करके आदमी बने हो, मानोगे ही नहीं। रहता है आदमी थे हम, कभी ब्रह्म रहे हैं क्या, होश ही नहीं। इसलिए परमेश्वर पे भूलिया व्यापन सब दे रोग, सब रोगों का कारण परमात्मा की विस्मृति है, हमारे अपने आप की पहचान न होना। इसलिए अंदर लौटे, ये जीवन लौटने से, क्योंकि जहां हम तादात में कर चुके हैं, जिसको मैं मान चुके हैं, इससे मैंपन को हटाना है, और सिर्फ रटना नहीं सुमिरन करना है। हम अपनी चेतना में लौटे, लौटने का काम प्रातः करना है, पर उसके लिए तैयारी, राजी हो, लौटो,
लौट जा सकते हो, क्योंकि देह सीधा नहीं बन सकता। देह का कोई प्रयोजन है? देह अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। नाव लक्ष्य नहीं होती, जहाज लक्ष्य नहीं होता, कर्म लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य के लिए कर्म है। इसलिए साधन भी लक्ष्य नहीं है। तभी ये कहना पड़ा, तापस तप फल पाए जिन, सुखी सिराने में किसी ने तप किया क्यों किया? आपने पढ़ाई क्यों की? यदि पढ़ाई लक्ष्य थी तो वही पढ़ते क्यों नहीं रहे? आप तो पढ़ते ही रहोगे ना, कि पढ़ाई कंप्लीट करके कहीं और जाओगे? बोलो। तो पढ़ाई लक्ष्य नहीं है, पढ़ाई से लक्ष्य की प्राप्ति होगी, नाव से लक्ष्य मिलेगा, साधना से कहीं पहुंचना है। जहां खड़े हैं जो समझ रहे हैं ये लक्ष्य नहीं है, तुम इसी को लक्ष्य मानकर इसी के बचाने में लगे हो, यही भूल है। साधन शरीर है, ये साधन नर तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इससे विषय प्राप्त नहीं करना, वो सुख थोड़ी देर को देंगे, क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, सौ जन्म बिगाड़ोगे थोड़े सुख के लिए, जिंदगी बिगाड़ोगे थोड़ी संसार के सुख के लिए, क्षण सुख लाग। इसलिए यही तन कर फल विषय न भाई, एक शरीर के पाने का फल विषय नहीं है। स्वर्ग स्वल्प सुख थोड़ा, दुख बड़ा लंबा। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, अंत में दुख होगा। शरीर किसी का पाए मरना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने यह भी कहा है कि जन्म जन्म भर मत थे, पर जम का फांस नहीं मिटा, जम का भय नहीं गया। किसी जन्म में जाओ, मनुष्य जन्म में भी आओ, किसी जन्म में जाओ, जन्म जन्म भरमत रहे। किसी शरीर में जाओ, घूमो भरमो, लेकिन यवराज का डर नहीं जाएगा किसी देह में। मनुष्य देह में भी है डर, इस देह में भी है, ऐसा नहीं। पर इस देह में डर है, पर इस देह में बैठकर तुम उसकी खोज कर सकते हो, जिससे जम का भय चला जाए। इसी शरीर में है बस। इसलिए ये भी साधन करने को मिला है, यदि इससे साधन करो तो जम का भय मिट जाएगा। नहीं, इसको पाने से भी डर लगता है कि नहीं? आपको तो नहीं है। रेल की पटरी के पास से निकलना देखो, जहां भीड़ भाड़ है, ट्रक आ रहे हो, वहां से निकलना देखना डर लगता है, काय का लगता है? मरने का। जरूर ऐसी जगह जाया करो जहां थोड़ा डर लगे। तो ये शरीर जो है न रहने वाला है मनुष्य का, मनुष्य शरीर में भी भय है। शरीर नहीं होता तो डर क्या था? ये शरीर छूटा, डर मिटा, पर शरीर फिर मिल जाएगा तो फिर डर लगेगा। जब जब शरीर मिलेगा तब तक डर लगेगा। तो शरीर ना मिले तो डर न लगे, पर शरीर न मिले, शरीर न मिलने को राजी तब होंगे, चाहे हर बार मरे, पर अभी शरीर चाहते। हर बार जब शरीर मिलेगा हर बार समस्याएं होंगी, पर फिर भी शरीर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जब तक शरीर पाएंगे यमराज का भय रहेगा, त्रास नहीं मिटेगा। मिटे जम का त्रास नहीं मिटता, डर नहीं मिटता। फिर क्या करें? ऐसा करें कि अब जम का भय चला जाए। जम का भय जाएगा जब शरीर नहीं चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। बल्कि शरीर मिलने पर ज्ञान के द्वारा हम भय को मिटा रहे, फिर भी शरीर रहते थोड़ा बहुत बना ही रहता। ज्ञान ज्ञान तो इसीलिए है कि शरीर
न प्राप्त हो, पर अभी भी थोड़ा जीवन मुक्ति, थोड़ी देर हम ध्यान में जाएं, शरीर जैसे हमारे साथ है, मन नहीं है और हम व्यक्ति नहीं है, हम कोई सीमित नहीं है, असीम चैतन्य, असीम चैतन्य। ये सीमितता मृत्यु है, असीम जीवन हमको पता ही नहीं। तो जब हम असीम जीवन को उपलब्ध होंगे तो पुराने संस्कार बसात फिर आएंगे तो व्यवहार में। लेकिन हमने एक जगह देखी जहां याद करते सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, याद करो सुखी हो जाओ, संसार का सुमिरो और दुखी हो जाओ, संसार की याद करो दुखी, चाहे वो कोई है, याद करके दुख होता है। बेटे की याद करो, हाँ बीमार है, पढ़ाई है, बुढ़ापा है, संसार की याद करो तो दुख आएगा ही आएगा, परमात्मा की याद करो दुख जाएगा, वो नहीं रह सकता। और जिसकी याद से दुख जाए, इसीलिए मैंने बोला तेही उसका सुमिरन करो जिसकी याद से भाव सागर तर जाओ, संसार का दुख ना हो जिसकी याद से, या जो सब घट घट में रहता है उसकी याद से ही बहुत दुख जाएंगे, मेरी याद से नहीं, ये ध्यान रखना, मेरी याद से नहीं। यदि इसको समझ, मेरी याद करो तो तुम शरीर बने, मेरी याद करते हो मरना नहीं चाहेगा, मृत्यु है जाएगा ही, जो सब में रहता है जिसका आकार नहीं, निरंकार, निरंकार की याद से मृत्यु भय जाएगा। आकार को तो मौत खाएगी, आकार को तो यमराज खाएगा, काल खा जाएगा, किसी आकार को नहीं छोड़ेगा, आकार को छोड़ता नहीं, निरंकार को छूता नहीं, निरंकार को पर काल नहीं छू सकता, वो अकाल पुरुष है, ब्रह्म अकाल पुरुष, ब्रह्म निरंकार है, ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म दृश्य नहीं है, जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देता है वो सब नाश होने वाला है, जिन इंद्रियों से दिखाई देता है इंद्रियां भी बदलती रहती है, जिस मन के आने से जगत दिखता है ये मन भी सो जाता है, इन सब के पीछे घट घट में हर जो, इन सब के पीछे परमात्मा रहता है। संतों ने तो कहा है भीतर, सबके भीतर रहता है, असंतों ने कहा होगा ऊपर रहता है, हाँ बहुत लोग कहते हैं ऊपर रहता है, ऊपर नहीं रहता ये हम नहीं कह रहे, ऊपर ही रहता है नीचे नहीं रहता ये गड़बड़ है, वहां रहता है तुम्हारे में नहीं रहता ये गड़बड़ मानता, वो सब में रहता है, और जो सब में रहता है, अच्छा वहां जो रहता है वो तो शुद्ध है, वहां जो रहता है, तुम्हारे भीतर जो रहता है परमात्मा वो अशुद्ध, परमात्मा भी थोड़ा हिस्सा उसका गंदा हो जाता है, थोड़ा शुद्ध रहता है, ऐसा जो निराकार है वो सब जगह निराकार है, तुम्हारे भीतर आकार है, तुम्हारे भीतर निराकार नहीं है, और जगह तो वो चेतन है, तुम्हारे भीतर जड़ है, सब जगह है वो कभी नहीं सोता, तुम्हारे भीतर सोता है, कि तुम्हारे भीतर वो नहीं सोता, और नहीं सोने वाला तुम्हारे भीतर है कि नहीं, सर्वनिवासी सदा ले, परमात्मा सर्वनिवासी है सदा आले, तुम्हारे भीतर सदा आलेप है कि नहीं, तुम्हें अभी लिप्त होने वाला ही मिला कि अलिप्त के दर्शन हुए, अलिप्त तुम्हारे अंदर अनुभव में आया क्या, नहीं आया, और है इसलिए उसका स्मरण करो, कहे नानक ते भजमना, गुरु नानक देव जी कहते हैं, नवे गुरु जी कहते हैं ते भजमना, उसका भजन कर, उसका भजन कर जो घट घट में है, इसलिए तेरे भीतर है, उसका भजन कर जो तेरे भीतर है तो भव सागर से पार हो जाएगा, और उसका भजन कर जो तेरे में मिलेगा
और फिर ये मानना वही घट घट में बसता है। जो घट घट में बसता है उसका स्मरण कर और इसलिए नजदीक कर कि याद करते ही तुझे प्राप्त मालूम पड़े। और जगह यदि होगा या न होगा तो याद करते वहां जाना पड़ेगा। मैं यदि हूं याद आए तो दर्शन करने मिलने मेरे पास तुम्हें आना पड़ेगा। और यदि तुम्हारे भीतर भी हूं तो देखो मेरा एक स्वरूप ऊपर ये है जिसकी याद आने पर मिलने आओगे दर्शन करने। एक मैं हूं जो तुम्हारे भीतर हूं, पर ये थोड़ा जो जो मैं सबके भीतर है वो तो हरिजू है, वो तो गुरु है, एक ही गुरु है सबके भीतर बैठा है। इसीलिए उसको बाहे गुरु कहो, उसको निरंकार कहो, उसको राम कहो। और देखो सब हिंदुओं से ज्यादा, जरा ध्यान देके सुनना, सब हिंदुओं से ज्यादा समझदार एक ही गुरु काफी है। तुम नवे गुरु जी के शब्द पढ़ो, उसमें हर कह दिया, वासुदेव कह दिया, सब सुखदाता राम है, दूसर ना इनको कह नानक सुन ले मना ते सुमिरत गत हो। राम के सुमिरत से गति होती है कि विष्णु के, कि वासुदेव के, कि हरिजू के। राम भी कह दिया, कृष्ण भी कह दिया, हर भी कह दिया, रघुनाथ भी कह दिया, टेक एक रघुनाथ, रघुनाथ भी कह दिया। माने गुरु जी को धोखा हो गया क्या? उनको भी धोखा है, एक ही नाम सब जगह रामा ही राम क्यों नहीं कहा, वासुदेव ही वासुदेव क्यों नहीं कहा, कृष्ण ही कृष्ण क्यों नहीं कहा, हर हर ही हर क्यों नहीं कहा। कई बार हर कह रहे हैं, कई बार वासुदेव कह रहे हैं, कई बार राम कह रहे हैं। जो सुख को चाहो सदा, ये भी कह दिया। अच्छा तुम सदा सुख चाहते हो भी थोड़ी देर, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। हिंदुओं को तो अभी यही दिमाग ठीक नहीं है कि हम राम भजन करें कि शिव जी का करें कि कृष्ण का करें किसका करें, बहुत भगवान है। और हमारे गुरु महाराज तमाम नाम लेके कहते हैं उसी का भजन करो, राम कह के भी कहते हैं उसी का, वासुदेव कह के, हर कह के उसी का भजन करो। एक जगह कह दिया नाम घट घट में अर्जुन से, जो हर सब में रहते हो, जो हरि एक जगह रहते हो उनका नहीं, जो भगवान एक जगह रहते हो उनका भजन नहीं करो, जो सब घट में रहते हो उसका भजन करो। हाँ तो जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। यदि तुम सदा सुखी रहना चाहते हो तो राम की शरण लो, राम के पास चले जाओ, वही निवास करो, उन्हीं की शरण चले जाओ, उनसे मांगो वांगो नहीं, मांग जाओ। मांगने वाले बहुत, शरण जाने वाले नहीं, उनके नहीं होना चाहते, उनसे मांग ले आना चाहते। तो आप उनकी शरण, शरण राम की। यदि तुम राम की शरण चले जाओ, और कहां रहते हैं घट घट में, तुम्हारे भीतर रहते हैं कि नहीं, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में मेरे मन में घट घट में राम। और प्रहलाद ने क्या कहा जब उसके बाप ने तलवार निकाली कि तेरा राम कहाँ है, गना मुझ में है और तुझ में भी, ये तेरी तलवार में भी, मुझ में तुझ में खड़ग खंभ में, इस खंभे में तेरी तलवार में, तेरे में मेरे में राम है मेरा। वो कहते तेरा राम क्या रहता है, कह मेरा राम तेरे में भी रहता है। तुम्हें कब समझ आएगा ये, तुम्हें तो मिलता ही नहीं, तुम तो अभी भगवान ही को तरस रहे हो, न गुरुओं के समझाने से समझ आया न पढ़ के समझ आया, तुम्हें तो एक ही समझ आया ये है, ये मिल जाए ये मिल जाए। और इसमें भी तुम्हें नहीं आया, इसमें भी वो नहीं दिखाई पड़ा
जो गुरुओं को दिखाई पड़ा। गुरुओं का ये जल हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। एक एक बात कहकर आज समाप्त करें, बाकी सुबह की भी तैयारी। हाँ, सुबह की तैयारी जान के कहा है, तैयार होकर अभी से मन बनाओ कि हम सुबह आएंगे। अभी से मन बनाओ, तैयारी करो। शादी की तैयारी करते हो, पढ़ाई की तैयारी करते हो, देश विदेश जाने की तैयारी करते हो, कोई काम काज दुकान धंधे की तैयारी करते हो, तो इसकी तैयारी करो। तो अंदर यात्रा, अंदर चलो, जाओ, अनुभव करो, उसका स्मरण करो जो सबके भीतर रहता है। ये शरीर नहीं, और इतना तो समझो कि एक जगता है, ये जगने वाले से उसका कुछ ताल नहीं है। ये जगता है, एक बिना जगे रहता है, जागा ही रहता है। हम जगे सो जाएंगे। अभी यहां तक चलो, देर तुम हो छोड़ो, तुम जगने वाले हो, तुम सो जाने वाले। तुम जगते हो तो देह में आते हो, देह को मैं कहता हूं। आप तो जगते नहीं, या आप गहरी नींद में भी देह को मैं कहते हो? क्यों नहीं कहते? किसने रोका है? और तुम क्यों सो जाते हो? किसने कहा है? तुम क्यों जगते हो? किसने जगाया है? इस प्रकृति के नियमों को, गुणों को तुम मैं नहीं कह जा रहे। जो प्रकृति की प्रक्रिया चल रही है, इसमें तुमने क्या किया है? किया क्या है तुमने? जगना, सोना, खाना पीना, शरीर का बढ़ना बूढ़ा होना, इसमें किया क्या है तुमने? ये समझे ही नहीं आता मनुष्य कि तेरे हाथ में कुछ नहीं। पागल, केवल इतना ही तेरे हाथ में है कि तू उसका स्मरण कर, बस। और तेरी बचपन, तेरी जवानी, तेरा बुढ़ापा सब बेकार गया है, उसका तूने स्मरण नहीं किया। तेरा जन्म गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ की। यदि तू जन्मने के बाद परमात्मा का गुणगान नहीं गाया, आप देखो गोविंद भी उसी का नाम। कमाल है, गुरुओं के इतने समय बीतने के बाद हिंदू की अकल नहीं आई, उसका नाम गोविंद भी है। गुरु की दृष्टि से राम और गोविंद में कोई फर्क नहीं। शुरुआत करते हैं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ की। जन्म बेकार गया यदि गोविंद का गुणगान नहीं गाया। गोविंद के क्या गुण है? गोविंद का क्या मतलब हुआ? गोविंद के क्या गुण है भाई? सबके भीतर रहते हैं, गोविंद एक जगह नहीं रहते, राम एक जगह नहीं रहते, अर्जुन एक जगह नहीं रहते, तो गोविंद वो है जो, तो गुण गोविंद गायो नहीं, जो सबके भीतर परमात्मा विद्यमान है, उन्हीं का नाम गोविंद है। जो सबके भीतर परमात्मा विद्यमान है, उसी का नाम राम है। उसका गुणगान, वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, व्यापक है, निरंकार है और अलेप है, कालातीत है सबके भीतर। इसलिए तुम भी इस काल से अतीत होकर शरण में जाओ राम की, अकाल पुरुष को मिल जाओ। अकाल पुरुष राम एक ही चीज है, कालातीत और राम एक चीज है, अजन्मा और अविनाशी राम एक चीज है, वो दोनों ही। तुम अजन्मा की शरण जाओ, तुम अकाल पुरुष की शरण जाओ, तुम निरंकार की शरण जाओ, और वहां जाकर एक मिनट तुम रह के देखो कि वहां मौत नहीं है, दुख नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, सब चले जाएंगे वहां जाके तो देखो। यद्यपि भय तुम्हारी नींद में भी नहीं है, ध्यान रखना, भय नींद में भी नहीं है, पर तुम वहां जाके पहचाना नहीं। पहचानना जरूरी है, उसका स्मरण भजना जरूरी है, उसका स्मरण चिंतन करना जरूरी है, जो तुम्हारे भीतर कालातीत है, निरंकार है, परम शुद्ध है, जिसको काल कर्म नहीं छूते, कर्म का बंधन जहां नहीं रहता। कर्म तो यहां है, इसका स्मरण
करना है, उसके स्मरण की विधि प्रातः काल। अभी भी 5 मिनट करो, इसलिए कि थोड़ा प्रैक्टिस होगी, पर अभी थके हुए हो, इतनी देर बैठे रहे हो, इसलिए देर तक नहीं। पर आप आसन चेंज कर दो एक बार, जिस पोज में बैठे हो, जिस आसन में बैठे हो, जो अंग जमीन को टच हो रहे हैं, खून में जड़ता हो, शरीर में पीड़ा हो, उससे मुक्त हो जाओ। 1 मिनट के लिए शरीर की पीड़ा से मुक्त हो जाओ पहली। यदि पीड़ा होती है तो आसन बदलो, पहले ब्रह्म का ध्यान नहीं, पहले शरीर का ध्यान करो, दर्द कहाँ है, और दर्द हटाओ। दर्द हटाने के लिए जो भी बदलना पड़े बदल डालो, बूढ़ों की तरह बैठो वज्रासन में, पद्मासन में, और बूढ़ों की तरह माने टांगे यूं करके, बहुत सारे तरीके। योगासन करते हुए एक ये भी विश्राम आसन, जैसे शवासन है, खड़े खड़े भी विश्राम, बैठे बैठे विश्राम, लेटे लेटे विश्राम, सर्पासन की तरह विश्राम, अनेक। तो शरीर की पीड़ा बिल्कुल न होवे पहला काम। ऐसा कोई आसन ढूंढ लो जिसमें 5 मिनट दर्द ना हो, ऐसा कोई पोज, ऐसा बैठने का ढंग, रीढ़ सीधी टेढ़ी लंबी, 5 मिनट शरीर पीड़ा से रहित हो। दूसरा, आपका अंतर्मन एक बार अपने शरीर का निरीक्षण कर ले, अंदर शरीर का निरीक्षण करो, पूरे शरीर में घूमो, जैसे अपने घर में तुम सब मकान के कमरों में, बाथरूमों में, किचन में जाते हो, ऐसे भीतर से अपने शरीर में तुम सब जगह घूम लो, तुम घूम लो, अपने मन से घूम लो। तुम अकेले तो घूम ही नहीं सकते, तुम बिना साथ के चलते नहीं हो, तुम मन के साथ चल सकते हो, वृत्ति के साथ चल सकते हो, बिना साधन के आत्मा अचल है। इसलिए तदेजत तन्नेजत, वो चलता है, वो नहीं चलता है, मन और वृत्ति के सहारे चलता है, बिना वृत्ति के आत्मा अचल है। वृत्ति के द्वारा जगता सोता है, बिना वृत्ति का आत्मा न जगता है न सोता है। देह आदि के कारण मरता सा लगता है, आत्मा अपने आप में कभी न पैदा होता है न कभी मरता है। सहज अंदर लौटे, अंदर लौटे, बहुत अच्छे। अब अंदर लौट करके अपने ध्यान को कहीं कहीं शून्य में, कहीं अंदर के शून्य में, अंदर के एकांत में ले जाए, अंदर पेट के भीतर के खालीपन में, पेट के आकाश में, पेट की पोलाई में अंदर चले जाए। और अंदर की और बाहर की पोलाई, बाहर का आकाश और अंदर का आकाश, तुम्हारे शरीर के चारों तरफ खालीपन है और शरीर के भीतर भी, जैसे कोई घड़े के भीतर आकाश, घड़े के भीतर खालीपन पोलाई, और घड़े के चारों तरफ बाहर पोलाई। चारों तरफ पोलाई ना हो तो घड़ा ही ना दिखेगा, चारों तरफ आकाश और घड़े के भीतर आकाश, ऐसे तुम्हारे भीतर तुम्हारे बाहर आकाश। और 1 मिनट को भीतर आकाश बाहर आकाश, भीतर आकाश बाहर, और 1 मिनट को भीतर बाहर करने वाले घड़े की दीवार हो गई, तो न भीतर न बाहर आकाश ही आकाश। शरीर के भीतर आकाश, शरीर के बाहर आकाश, 1 मिनट को खो गया शरीर, आकाश ही आकाश, न भीतर न बाहर। भीतर बाहर शब्द इस घड़े की बनावट के कारण है, इस घड़े की दीवाल के कारण भीतर बाहर है। घड़ा फोड़ दो, अब भीतर किसे बोलते, बाहर किसे बोलते, मकान गिरा दो, भीतर बाहर क्या होता है। मेरे गुरुदेव दीवाल को भीत बोलते हैं, भीत, और भीत के अंदर भीतर, अब भीत के बाहर। इस दीवाल को भूल जाओ, इस शरीर रूपी दीवाल को भूल जाओ, भीतर और बाहर आकाश,
भीतर और बाहर चेतन, बाहर भीतर एक हो जानो। तुम भीतर और बाहर का ख्याल छोड़ दो, ये जो चैतन्य है ये मन के कारण तुम्हें भीतर 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 लगता है। अमन हो जाओ, मन रहित हो जाओ, कल्पना छोड़ दो, तो तुम भीतर बाहर एक रस, भीतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, जो चेतन बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सब सो ब्रह्म है, नहीं मेरे नहीं दूर। ये आकाश के समान चेतन है, ये जो चैतन्य है ना, ये जो अंदर लगता है ये बाहर भी है। ख्याल करो, ध्यान करो कि चेतन बाहर भी है भीतर भी है, और दीवार हटा दो, भीतर बाहर नहीं, चेतन चेतन, इतना याद करो, चेतन चेतन चेतन। दृष्टा, दृष्टा भीतर, लेकिन चेतन दृष्टा नहीं। चेतन दृष्टा होने के लिए मन होकर भीतर हो जाता है, ये दृष्टा सीमित नहीं, असीम है। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? जो चेतन आकाश की तमाम सर्वत्र है, जो चेतन भीतर है वो जीव, जो दूसरे शरीर के भीतर है वो जीव, और जो सब जीवों में है चेतन ब्रह्म है। ब्रह्म बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नवशम, जो व्यापक है आकाश के समान, वो नेरे कैसे दूर कैसे, उस आकाश के पास क्या और दूर क्या। किसी मकान के कोई चीज पास और दूर हो सकती है, किसी पेड़ के पास कोई दूर हो सकती है, किसी तारे सितारे सूर्य के पास कोई दूर चीज हो सकती है, पर आकाश के पास क्या है और दूर क्या है। तो ब्रह्म के पास कौन है, ब्रह्म से दूर कौन है, ब्रह्म से और कौन है। घड़े से घड़ा पास और दूर हो सकता है, जरा मिट्टी से पूछो कि तेरे से कोई बर्तन कितना दूर हो सकता है, और तू किसी बर्तन से कितनी दूर हो सकती है। तो तुम कौन हो? एक देह से दूसरा दूर, देह दूर है, एक अंग से दूसरा अंग दूर है, एक आभास से दूसरा आभास अलग है, पर इस चैतन्य से कौन सा जीव अलग है, कौन सा दूर है। इस सत्य को खोजें, शांत हो जावे, धीरे धीरे इस गहराई तक पहुंचेंगे। आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। योगाभ्यास द्वारा शरीर के हर तरह के रोगों का इलाज हो सकता है, यौगिक क्रियाओं द्वारा शरीर के और तमाम तरह की जकड़न अकड़न दूर हो जाती है, शरीर ध्यान के काबिल बन जाता है, और ध्यान करते करते मन निर्मल हो जाता है। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, खोजत खोजत पीछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तुम्हारा मन यदि निर्मल होगा तो इस चैतन्य परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। मन की इच्छाएं ही, मन की चंचलता, मन के संकल्प ही बंधन बन जाते हैं, और ये मन जो है संसार के विषयों में ऐसे रच जाता है जैसे दीवाल का चित्र, दीवाल का चित्र निकसत छोड़त नहीं भीत, चित्र जो दीवाल में बना दो दीवाल को नहीं छोड़ता, ऐसे ही मन विषयों में रमता है, छोड़ता नहीं है। पर एक बात और बता दूं कि चित्र या तो दीवाल छोड़ेगा नहीं, और यदि दीवाल को चित्र छोड़ देगा ना तो चित्र बचेगा नहीं, चित्र खो जाएगा, ऐसे ही ये मन खो जाता है। ये मन विषयों में रमता है, यही इसको जीवन दिए, यही मन की जिंदगी है, और यदि मन ने विषय छोड़े तो उसी से कर्ण मन मर जाएगा। हाँ, या तो मन विषय में रहेगा या विषयों का स्मरण करेगा, या मन उधर ही खींचता रहेगा। मन नाम की वस्तु विषय के विषयाशक्ति है, यदि विषय से मन हटता है और अचाव हो जाता है तो मन की मृत्यु हो जाती है।
और मन की मृत्यु आत्मा का जीवन है और मन का जीवन आत्मा की मौत है। मन खड़ा हुआ, आत्मा मरी, और आत्मा सजग हुई आई कि मन गया। यही जिंदगी की सत्यता है। इसलिए ध्यान में मन की मृत्यु होती है और संसार मन का जीवन है। इसलिए यदि मुक्त होना है दुखों से, चिंताओं से, भव सागर से पार होना है, जीते जी किनारा पाके देखना है कि संसार गया। नदी के पार हुए, नदी गई, संसार के पार हुए, संसार गया। यदि मन के पार हुए, मन गया। मन है ही तब तक जब तक तुम अपने को भूले हो। तुम जागो, रोशनी हुई, अंधेरा गया। इसलिए रोशनी बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, मन खो जाएगा। सजगता घटाते जाओ, घटाते जाओ, मन पैदा हो जाएगा, संसार पैदा हो जाएगा। आत्मज्ञान संसार का विनाश। जैसे रस्सी का सांप, टार्च से देखो चला गया, अंधेरा हुआ तो सांप दिखने लगा। इसलिए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।